तो इसको अपन एक काम करते हैं, गालियों का त्योहार बना देते हैं पूरा। तो भाई हादसा होते हो और एकदम से जोर से हम लोगों को आवाज आती है फट करके, पूरे गैस का ये कांच जो है ऐसा, ये देखो ये भगवान की हम पूजा कर चुके हैं। तो वेलकम बैक अगेन, दिस इज मी लकी साइन इन विद द टिडबिट टॉक्स। और आज दिन है दशहरा और आप सभी को दशहरे दुर्गा नवमी की ढेर सारी शुभकामना। तो भाई हो रही है गाड़ियों की पूजा। ये जुपिटर जिसको दिन रात आप मेरे साथ व्लॉग में देखते ही रहते हो, ठीक है। फिर ये हमारी प्यारी पद्मिनी P8 1962 मॉडल, ओल्ड P8। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर व्लॉग हम किसी दिन डिटेल में बनाएंगे। इस गाड़ी को हम लोग अपने लक की गाड़ी कहते हैं। जिस दिन ये चलती है, पापा बोलते हैं कि उस दिन सारे काम बन जाते हैं। जिस दिन चालू होती है, लक की है, इसलिए ये लक्की है, लक्की की गाड़ी है। आज लंच में देखते हैं अपन बना क्या है। इधर बना है बाफले, कड़ी दाल, बेसन की मिर्च, चटनी। अब अपन मिलते हैं खाना खा के फिर से व्लॉग देखने के लिए। बने रहे, मजा आने वाला है। आज कुछ बहुत दिन बाद डाल रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डालेंगे। थ्री ओफो, फाइनली लोकेशन चेंज, चेंज बंदा ऐड होना बहुत जरूरी है। नई चीजों के बारे में बात करने के लिए नए इंसान से मिलना बहुत जरूरी है। क्या बोलते भैया? तो भैया का परिचय करवा दूं। भैया है एडवोकेट आनंद शर्मा, जो कि शहर में बहुत कुछ जाने जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज ग्रुप और अपने जॉली नेचर और भाईचारे के प्यार के लिए, ठीक है। बेसिकली हम वकील साहब के ऑफिस में आए हैं कालीन भैया की तरफ से केस लगाने कि हम गुड्डू से हमें मिर्जापुर लेना है, ठीक है। तो भैया केस लड़ोगे आप कालीन भैया का? कालीन भैया की हालत वैसे खराब है, देखते हुए लड़ेंगे लड़ेंगे। आज हम पोस्टमार्टम कर काहे का मिर्जापुर 2 का, अभी मैं बता चुका हूँ। और भैया आप अपनी तरफ से कुछ जनता को कहना चाहते हो तो प्लीज। का चैनल आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा इसको सपोर्ट करिए। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है। आज जो पोस्टमार्टम हुआ है वो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, पक्की बात है ना। जो अपन करने वाले हैं अभी, क्योंकि इसने भी काफी गौर से देखा है, मैंने भी काफी गौर से देखा है। हाँ। तो फिर जो है अपन अच्छे से करेंगे। बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत थी जो मिर्जापुर 2 से। एक्चुअली क्या हुआ कि जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में क्या है, मुन्ना भाई जो थे वो बड़े जबरदस्त थे अपने, मुन्ना भैया, और पूरे टाइम मुन्ना भाई का आतंक था, और आखिरी में तो मुन्ना भाई का आतंक बहुत ही खतरनाक था। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अब मुन्ना भैया ने अपना आतंक सब दिखा दिया है, अब जो है गुड्डू पंडित कुछ ना कुछ करेगा। और यहाँ पर जो गुड्डू पंडित ने किया है, पूरी मूवी में लगड़ाता रहा, एंड तक चलो ठीक है, गद्दी मिल गई, उसके आए मजा नहीं आया बॉस। मतलब अब मुझे लगता है कि गुड्डू भाई, अगर आप उसको चोट लगी है, वो लंगड़ाने लगा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको पावर, उसके एक दो एपिसोड के बाद उसके अंदर पावर आ जानी चाहिए थी, और कुछ उसका आतंक दिखाते तो जो जनता को एक्सपेक्टेड था, हमको तो यही एक्सपेक्टेड था कि भैया हमें पंडित जो है फुट डालेगा, इस बार भोकाल मचाएगा, बिल्कुल एकदम जज्बा रहेगा वो, मतलब उसको हर कोई आके पेल ले रहा है। गुड्डू पंडित की कोई मतलब टेरर ही नहीं है, बिल्कुल टेरर ही नहीं है, इतना भारी भरकम बड़ा सा शरीर, सिर्फ बैसाखियों के सारे छोड़ दिया। उससे ज्यादा आतंक तो गोलू का था, कम से कम हर किसी से भिड़ जा रही थी, किसी से कुछ भी कर ले रही थी, लेकिन इंटरेस्टिंग उसका भी कैरेक्टर बिल्कुल नहीं था। तो अपन थोड़ा और भी कैरेक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे इस पे। बिल्कुल, तो मिर्जापुर 1 की जो प्लॉटिंग थी वो तो सभी को पता है, वो रिपीट होके यहाँ पे आनी थी, सिर्फ मिसिंग थे उसमें हमारे बबलू पंडित और स्वीटी जी। बबलू पंडित को तो यहाँ पे मिस किया हमने, गुड्डू भैया के अलावा स्वीटी का किसी को गम नहीं रहा। अब बात करते हैं हम कास्टिंग मिर्जापुर 2 की, जहां पे कुछ एड ऑन हुए अच्छे और बेहतरीन कैरेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा दमदार दद्दा जी के बारे में जब सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी भरकम आदमी आने वाला है, मतलब टेरर सा बना दिया था हमने दद्दा जी का नाम सुना सुना के। लेकिन वो दद्दा जी की एंट्री हुई तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। वो तो दद्दा जी का रोल भी अच्छा था, बाहुबली टाइप का लगा नहीं दद्दा भी। दद्दा वाली स्टोरी और जो एक्टर्स लाइक विजय वर्मा जिन्होंने ट्विन रोल अपना किया है उसमें, उन्होंने यार पिछली वेब सीरीजों में अपनी गली बॉय में इनफैक्ट क्या एक्टिंग की थी, बट उनको उनका रोल ही एक्सप्लोर करने को नहीं मिला वहां पे। बनता था उनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने का, बट ठीक है उनकी कहानी कहीं साइड में रख दी तीसरे सीजन वगैरह के। अब मुझे लगता है तीसरे सीजन में उनका रोल अच्छा होगा। हाँ। तो एक दो भाई में से एक जिंदा बचा है। हाँ। तो उसका रोल थोड़ा इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है। फिर यहाँ पे एड ऑन होता है रॉबिन।
रॉबिन का कैरेक्टर ये भी ठीक है, मेरे को तो मजा आया रॉबिन के कैरेक्टर में सबसे ज्यादा। हर बार एक नई कहानी देता है पत्नी बंदा और किसी से डरता नहीं, कुछ बिंदास टाइप का कैरेक्टर लगा मुझे। बिल्कुल, उस स्पेशली उसकी मम्मी की कहानियां, मम्मी की कहानियां, वो हर बार अपनी मम्मी को कभी कुछ बना देता है कभी कुछ बना देता है। और थोड़ा सा और बता सकते थे, बट हो सकता है उसकी डिटेलिंग आगे के लिए छोड़ रखी हो। फिर हमारे पास यहाँ पे एड होते हैं अंजुम शर्मा और शरद भैया। खुश लगा वो उसका जो रोल था, पता नहीं पार्ट थ्री में कुछ अच्छा होएगा तो होएगा। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है, इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है कि जिस जो तुम्हारा सबसे मेन दुश्मन है उसी के लड़के को तुमने अपना बिल्कुल मास्टरमाइंड बना लिया। वो जो कह रहा है तुम वही कर रहे हो कि पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पुलिस को चिंता सिर्फ उसी मर्डर की है जो मुन्ना भैया ने उधर किए थे शादी में, लाला की बेटी की शादी में, बाकी तो भैया हर सीन में मर्डर हो रहे हैं लेकिन पुलिस को कोई चिंता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है मेकर्स को एक माइंडसेट बन गया था कि मिर्जापुर वन में लोगों को थोड़ा सा गाली गलौज का माहौल पसंद आया है, तो इसको अपन एक काम करते गालियों का त्यौहार बना देते हैं पूरा। गालियों में तो ऐसा है, देखिए मेरे को तो जो चीज समझ में आ रही है सोशल मीडिया पर या हम जैसे यूट्यूब की भी हम बात करें, जितने लोग आपको सुपरहिट सुपरस्टार मिलेंगे सब गाली गलौज करके ही हो रहे हैं। चैनल देख लो आप, बिना गाली वालों को देख लो आप, लोग उतना लाइक नहीं करते। हम कालीन भैया के घर से है नहीं ना, कालीन भैया के घर तो जो ना हो सो कम है, कालीन भैया के घर तो कुछ भी हो सकता है। फिर वही एक और नया कैरेक्टर ऐड होता है जिसका नाम है ईशा तलवार और माधुरी। उनका रोल काफी इंप्रेसिव लगा मुझे और काफी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने और मुझे लगता है पार्ट थ्री में भी उनका और अच्छा रोल रह सकता है। कालीन भैया इतने बड़े बेवकूफ दिखाए हैं इसमें कि वो वही जैसे ही उनके समधी की डेथ होती है तो बोल देते हैं कि मेरा दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे समधी थे, हम दुखी इसलिए क्योंकि वो सीएम थे, हमारा तो नुकसान हो गया। और वही वो सुन लेती है, वही वो सुन लेती है। मतलब आप देख रहे हो कालीन भैया की इतनी सी गलती उनको सीएम बनाते बनाते रह गई। मुन्ना भैया का तो मेरे को लगता है मतलब सबसे खतरनाक आदमी मुन्ना भैया ही है इसमें, तो एक नंबर बिंदास कैरेक्टर, जबरदस्त जो बंदे ने कैरेक्टर प्ले किया है, सबसे शानदार कैरेक्टर वही है पूरे मिर्जापुर में। और मतलब पार्ट वन हो चाहे पार्ट टू हो, धमाकेदार आदमी वही है। लेकिन नेपोटिज्म का पूरा फुल ऑन सपोर्ट रहा है, सपोर्ट रहा है, सही बात है। रहा सपोर्ट कैसे रहा, देखो पहले बाऊजी तेल लगा दे, ठीक है, बहुत ठरकी थे करबंदा जी अपने, जो पहले स्टार्टिंग में जब आए होंगे अपने जमाने में तो शाकाल का रोल उन्होंने प्ले किया था, तो उससे वो फेमस हुए थे। उसके बाद से उनकी जो इमेज थी ना वो एक गरीब मजलूम बाप की होती थी, लेकिन यहाँ उन्होंने ढरकी दद्दा की जो कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब यहाँ मजलूम बाप ही बने, थोड़े अलग सेंस में दूसरों की मासूमियत छीनने वाले बाप बन गए वाले, और किसी को नहीं छोड़ते चाहे वो काम वाली भाई हो चाहे बहू हो चाहे कोई हो, किसी के ऊपर उनका कोई वो नहीं है। और सबसे बढ़िया उनका डायलॉग की शेर के मुंह खून लग चुका है अब उस, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर कहानी मोड़ लेती है, इन सबसे होती हुई कहानी चलती है। फर्स्ट एपिसोड जैसे ही चालू होता है, प्रीवियसली 15 मिनट में ही जो पुराना सीजन वन है वहां पे कौन बचा कौन मरा कौन गया कौन आया वो सब दिखा दिया गया। याद रहे आपको कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात करना भूल गए, डॉक्टर बंगाली, इसमें भी रोल ठीक ही था उनका। वहां पे कुछ कहानियां अधूरी छोटी हैं, जैसे सारे सवाल तो छोड़ के गए हैं, बट अब तीसरे के लिए जो सेकंड का एक्साइटमेंट था वो तीसरे के लिए अब नहीं बन रहा है, वो बिल्कुल नहीं बन रहा। और मुझे नॉर्मली मैंने जो नोटिस की है कि आज तक जितनी भी जो भी वेब सीरीज हो चाहे कोई मूवीज का भी पार्ट टू आता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन पाता है। तो या तो एक बस गैंग्स ऑफ वासेपुर का काफी अच्छा रहा था क्योंकि वो पूरी शूट एक ही बार में की थी उन्होंने और दो पार्ट में रिलीज की थी आई थिंक, तो उसके बाद से ऐसी कोई भी मूवी नहीं आई है कि जिसका आपको पार्ट वन बहुत अच्छा लगा और पार्ट टू भी बहुत अच्छा लगा। घूम फिर के सब दूर से चलती है कि भैया कालीन भैया सीएम से हाथ मिला लेते हैं, जेपी यादव जो पिछले उसमें काफी पावरफुल और इंटरेस्टिंग रोल दिखाया था उसको इस वाले में शुद्ध और शुद्ध चोमू बता दिया, एकदम ही चोमू बता दिया। और एट दी एंड तो क्या है कि मतलब एक थोड़ा सा क्या है कुछ मजा नहीं आ पा रहा है, कुछ एक इंटरेस्टिंग और नई चीज नहीं ला पा रहे हो। और दूसरा अगर देखा जाए तो फिर कालीन भैया का सफर चालू होता है मिर्जापुर की कुर्सी से लेके लखनऊ की। कालीन भैया अब अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना चाहते हैं, कालीन भैया पावरफुल बन भी जाते हैं मगर वो डायलॉग उनका गलत हो गया था एक जगह पे तो फिर उनकी बहू ने सुन लिया था, तो इस वजह से जो है बहू जो उनको ही सीएम बना देते जो है उनके बाबूजी भी बताते हैं उनको कि भैया तू व्यापारी है तू व्यापार कर रहा है, तो पॉलिटिशियन है तो वो पॉलिटिक्स करेगी। और नेपोटिज्म की मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कालीन भैया अपने लौंडे को इतना दबा के रखते हैं कि उसकी बीवी सीएम बन रही है जिस दिन शपथ ले रही है उसको तो भी नहीं जाने देते। अच्छा कालीन भैया का एक सही रहा, बिल्कुल हिंदुस्तानी बाप दिखा है, बिल्कुल हिंदुस्तानी, टिपिकल हिंदुस्तानी बाप दिखाया, एकदम टिपिकल हिंदुस्तानी बाप की भैया दूसरों के सामने पुचकार लेते हैं पर घर में जो मुन्ना की सुताई उड़ाते हैं वो, तो मुन्ना तो कहता है कि भाई मैं ये खाना है नहीं खाना है वे तो मेरा डिसीजन हो सकता है नहीं लेकिन नहीं फिर मुन्ना के दोस्त दूसरे में आ गए थे ललित,
ललित लोडू ललित लोडू ललित, सभी ने सुना होगा वो तो। फिर मुझे समझ में नहीं आती, कालिन भैया का जो बॉडीगार्ड है वो मकबूल, वो बड़ा एकदम तगड़ा आदमी है 6 फीटा, और यहाँ पर इनका बॉडीगार्ड मुन्ना भैया का, मुन्ना भैया कहीं भी जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, मुन्ना भैया के साथ कोई सपोर्ट ही नहीं है। चार से मतलब जो कहते हैं ना भाई कि बाहुबली आदमी है तो चार से लौटने, जैसे पार्ट वन में दिखाया था, यहाँ बेचारे मुन्ना भैया अकेले अकेले हर जगह जा रहे हैं, कोई भी अकेला पकड़ के पेल दे कि अगर मैंने तुम्हें गन दी है तो मुझे थैंक यू बोलो, तो मेरे पापा को क्यों थैंक यू बोल रहे हो। हाँ, ये था मुन्ना भैया का कैरेक्टर। यहाँ पे फिर अब कहानी आगे बढ़ती है और बेटी बहू बन जाती है सीएम पॉलिटिक्स खेल के। पॉलिटिक्स खेलने के बाद भैया उधर हो जाता है मकबूल के साथ धोखा। मकबूल के साथ धोखा नहीं होता एक्चुअली, मकबूल खुद स्टार्ट करता है धोखा देना, क्योंकि जब उसको कालीन भी ऑर्डर दे देते हैं कि बाबर को तुम निपटा दो, तो जाकर के बाबर को वो निपटाता नहीं है, घर के अंदर बंद करके रखते हैं। ये बात लीक हो जाती है और मुन्ना भैया जाके वहां पे बाबर को मारना रहता है, बाबर के साथ वो उनकी मम्मी को भी मार देते हैं। मकबूल की चटकती वहां है जब बाबूजी बोलते हैं कि हमारी दी हुई जान हमी त्रिपाठियों ने ले ली, तो क्या गलत किया। हाँ, तो ये डायलॉग मार देते हैं, बस वो डायलॉग मकबूल को चिपक जाता है और मकबूल फिर उसी का बदला ले लेता है बाबूजी से जाके। कहानी जो है ना मिर्जापुर की, जो पूरी कहानी है ये मतलब है ना एक ऐसी काल्पनिक कहानी है कि जहां पर कुछ भी हो रहा है, मतलब जैसे पुलिस को भी है ना किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पुलिस को जिसमें इंटरेस्ट लेना है वो बस वही इंटरेस्ट ले रही है। पुलिस वाला रिश्वत भी ले रहा है, उन्हीं के खिलाफ काम भी कर रहा है और सीएम से अवार्ड भी ले रहा है, पता नहीं क्या हो क्या रहा है, कुछ तो कौन सी दुनिया है, कौन से लोग है, कहां से आते हैं। इन सबके बीच में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा दबा हुआ, जिसपे कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने आप को बेहतरीन एक्सप्रेस किया। बहू ने क्या पॉलिटिक्स खेली, समधी ने क्या खेली, जेपी यादव ने क्या पॉलिटिक्स खेली, जो बीना भाभी खेल गई। तो बीना भाभी ने तो खतरनाक इसमें, बीना भाभी ने इसमें अच्छा रोल प्ले किया और मतलब जो है कि मुन्ना भैया को ठिकाने लगाने में भी अच्छा रोल प्ले किया है। मुन्ना भैया को, बाऊजी को, सबको ठिकाने लगाने, उनने तो साफ बात बोल दी थी कि मिर्जापुर की गद्दी उसी को मिलेगी जो जीवित बचेगा, जो जीवित बचेगा। मतलब तो इतनी कर्री डील करी है उनने अपने ना अपने लौंडे को बनाने के लिए, मिर्जापुर की गद्दी देने के लिए, कि अब उनका लड़का बड़ा होगा बीना भाभी का 18 साल बाद भी क्या होगा तो भगवान जाने। अब ये 4-5 पार्ट बनाने की सोच रहे हैं बेटा, ये इसमें दम नहीं बचा। कालीन भैया तो खैर ठीक है, लेकिन अब गुड्डू पंडित जो है उसके भी बच्चे वगैरह होने की उम्मीद है, वो फैमिली में उलझ गया। गुड्डू पंडित के पापा जी भी थोड़े बेचारे, ज्यादा ही मुझे लगा कि कुछ जहाँ पर जिस जगह पे कोई नैतिकता की काम नहीं करता वो वहाँ बड़े नैतिकता को पकड़ के बैठे हुए हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एक्टिंग तो उनका जो पार्ट वन में जब सीन था उनका, वो वहाँ बैठे रहते हैं अदालत में और वो एक बंदा उनको चाकू दिखाता है, वो उसको गन दिखा के चमकाते हैं, वो सीन तो बड़ा ही अल्टीमेट था। इस वाले में भी उनका क्रोध और गुस्से वाला जो था ना वो दिखाना एक जरूरी था, बट नहीं दिखाया। सभी को दिखा देंगे कमीने तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, एक मजबूर और एक बेटा मोह में पड़े हुए बाप का बहुत अच्छा रोल उनने किया है। और एक चीज और भी है लकी, कि यहाँ पर मुझे ये लगा है कि बहुत ही स्लो मतलब कहानी लगी मुझे एकदम रगड़ रगड़ के, लाला के घर के इतने सीन दिखा दिए, कोई मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट, लाला कोई इंटरेस्टिंग रोल ही नहीं दिखाया, लाला के अंदर पावर ही नहीं है भाई, लाला का इतनी बड़ी हवेली है, इतने सब लोग हैं, लाला को बदला लेने की इच्छा क्यों नहीं होती भाई, लाला को कोई और लाला बल्कि जो गुड्डू पंडित है उसको भी बोलता है तुम बदला लेना छोड़ दो, हाँ तो मेरी लड़की से शादी कर लो। खुशी बम निकला, क्लियर नहीं हो पाई कि गोलू इतनी परेशान क्यों है गुड्डू पंडित को लेके। कुछ यहाँ पे जो माइनस पॉइंट थे वो यही थे, किसी को किसी में आपस में क्लियरिटी नहीं थी किसी भी चीज की, सिर्फ एक बात क्लियर थी पॉजिटिव पॉइंट पे, बच्चा बाऊजी का है, राजा का है या कालीन भैया का है। ये बात तो क्लियर थी, ये बात क्लियर थी कि बच्चा राजा का है, भाभी ने खुद ने क्लियर किया, देखो भाभी ने क्लियर, ये पॉजिटिव थी, बाकी सबके आपस में क्लेशेस मचे हुए थे। राजा ने भी जो है मतलब अपनी जान दे दी बच्चे को बचाने के लिए, बाप था ना उसके लिए कुछ क्या करता। समझ रहे हो, बताओ क्यों नहीं जी सकता था वो। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ये, दद्दा बहुत पावरफुल बता है, बाहुबली टाइप बता है, पर घर में आके एज अ इंडियन हस्बैंड उनकी भी फटी रहती थी। होता ही दूसरी चीज ये भी है कि दद्दा इतने बड़े वाले हैं कि दारू बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे, 2 नंबर के काम करेंगे, लेकिन अफीम नहीं बेचेंगे साहब, क्योंकि हाँ। उनका बाप अफीम बेचता था, उस अफीम को चाट के उनकी माँ ने उनको छोटा सा दद्दा को अद्दा बना दिया। हाँ। तो भैया ये था मिर्जापुर 2, तो प्रोस कॉन्स क्या थे वो पता चल गया, कहानी ऐसे मोड़ पे छोड़ी है जहां पे अब गैस करने की इच्छा ही नहीं, जैसे सीजन 1 में एक ऐसे मोड़ पे छोड़ी थी कि जिसके लिए 2 साल सारी जनता लगभग तड़पी है।
नहीं आप अगर देखिए, अगर आप कोई भी वेब सीरीज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर आप पार्ट टू अगर आप बना रहे हो तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो आपको बनाना पड़ेगा। और ये तो एक बहुत ही कॉमन सी बात थी कि लोग गुड्डू पंडित का जो है ना चिलचिलाटा देखना चाहते थे, कि गुड्डू पंडित का इसमें आपको थोड़ा दिखाना था, आदम घोर जैसा कुछ दिखाना। उसके पास ना बेचारा पूरे टाइम ना भटकता रहता है, उसके पास ना खुद का घर रहता है ना कुछ रहता है, कोई आके पेल लेता है कहीं कुछ, उसकी बैसाखी हटा देना कम से कम एक आध आखिरी एपिसोड के लिए तो हटा देते बैसाखी। दोनों टांगों पे जाके मिर्जापुर की गद्दी पे बैठा, डेढ़ टांग पे नहीं बैठा जाके। ऐसा तो होता। चलो, जो कि पूरी तरह से गालियों का त्योहार था, नेपोटिज्म से भरा पूरा। अब हम यहाँ पे देंगे कास्टिंग और सबको पॉइंट। तो भैया कास्टिंग के लिए पॉइंट पांच में से, कास्टिंग पांच में से चार। चार कास्टिंग सब अच्छी थी, रोल सबने अपना भरपूर किया, सबको जिस जिस लेवल का रोल मिला उन्होंने उसको हाइट दी है। गुड्डू भैया के रोल से एक अच्छी हाइट की उम्मीद थी, जो जो हमें डिसअपॉइंट कर चुकी है। गुड्डू भाई ने क्या है, उनको जो जो मिला रोल वो उन्होंने प्ले किया, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन उनको पावरफुल रोल दिखाना चाहिए था। फिर आ जाती है हमारी वहां पे स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन कहाँ कहाँ कमजोर हुई हम प्रीवियसली आपको बता ही चुके हैं। दद्दा वाले पॉइंट पे छोड़ दिए, लाला वाले पॉइंट पे भी बहुत। गुड्डू और गोलू की केमिस्ट्री, शरद का रोल बहुत अच्छा हो सकता था पहले एपिसोड से, दूसरे एपिसोड से जो शरद को उठाया था उन्होंने कि भाई वो दिमाग से खेलना चाह रहा है सब कुछ, लेकिन उसको एट द एंड बिल्कुल कंफ्यूजिंग कैरेक्टर बता के उन्होंने, मतलब उसको धोखा करते दिखाना चाहिए था कालीन भैया के साथ, पर नहीं दिखाया वो एक। लेकिन अभी जो एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि अब कालीन भैया जिंदा बच गए और वहां पे मिर्जापुर में उनकी हवेली में तो वो बैठ गया गुड्डू पंडित, तो वहां कैसे उसको निकालेंगे कालीन भैया, ये थोड़ा देखने वाली बात रही। ये देखने वाली बात रही क्योंकि अब कालीन भैया के पास से जा चुकी है पावर, जहां गुड्डू ने शुरुआत की थी वहां कालीन पहुंच गए। देखते हैं अब सीजन थ्री का इतना वेट नहीं है, इतना वेट नहीं है, लेकिन पार्ट टू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखना बनती है एक बार। पूरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बदला लिया है तो चच्चा ने, बस चच्चा ने बदला लिया, बोनवीटा चच्चा ने, बोनवीटा चच्चा ने, मुन्ना भैया ने उनको जो है एक दो बार गाली बकी थी तो उन्होंने चार से सबको गालियां बक दी उनके, बोले उससे बोले तुम गवाही दो, बोले हम गवाही देंगे मुन्ना के खिलाफ, यही लौंडा था, इतने ही हमें बोनवीटा बोला था शादी में सबके सामने, हमारी इज्जत मां चली गई। तो चच्चा अपनी इज्जत और अपने बोनवीटा की खाते चच्चा ने बदला लिया है, चच्चा ने बदला लिया चच्चा के साथ। अच्छा डेयरिंग वाला सीन था, बोले तुम भी बोनवीटा, तुम्हारे बाप भी बोनवीटा, तुम्हारे दादा भी बोनवीटा, नाना नहीं है लेकिन नाना भी बोनवीटा, वही गुड्डू नाना में तो सनक नहीं भाई थी। नाना अच्छी फैमिली के थे, मम्मी अच्छी फैमिली की थी, मुन्ना भैया का दिमाग दिमाग। अरे इसमें मालूम है यंगस्टर से ज्यादा है ना बूढ़ों का अच्छा रोल दिखाया है, बुजुर्गों का मतलब पावरफुल दिखाया है, वो चाहे दद्दा हो चाहे ये बोनवीटा चच्चा हो या फिर वो बाबूजी, इन लोगों को पावरफुल दिखाया है, इन लोगों को पावरफुल दिखाया बिल्कुल। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो पार्ट पसंद आया हो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही रिव्यू आपको पसंद आते रहे तो हम आगे और करेंगे। अब नेक्स्ट जो रिव्यू आने वाला है वो आने वाला है इश्क है तो रिस्क है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, 1992 स्कैम करेंगे। सो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्यार दे देना, शेयर करना लोगों के साथ, बहुत सारा अपने भाई बहनों को और अपने दोस्तों को सबको दिखाना कि भाई मिर्जापुर टू की हकीकत क्या है। और इंस्टाग्राम पे तो मैंने दिए हैं स्पॉइलर, क्योंकि मैं पहले दिन पूरी देख चुका था, तो स्टोरी पे मैंने दिए हैं स्पॉइलर ही स्पॉइलर, भैया ने नहीं दिए हैं। भैया की आईडी इंस्टाग्राम पे की यहाँ पे ऐसे आ रही है, जाके फॉलो कर लो। तो ये सारी बातें हो गई मिर्जापुर 2 की। अब वीडियो यहां तक पसंद आया हो तो दबा के लाइक करो, वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको तोड़ दो, फोड़ दो, और शेयर करो इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी हमारी मेहनत पसंद आ रही है आपको तो। सो दिस इज मी लक्की, दिस इज मी आनंद, साइनिंग ऑफ विद द टेक बे टॉक्स, और जो दिल में आए वो करो वो करो वो करो।